नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में महंत रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे के कथित भड़काऊ बयानों के खिलाफ AIMIM महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजी नगर से चलो मुंबई तिरंगा रैली शुरू की है। इसको लेकर इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही हैं वो सरकार की ओर से ही चलाई जा रही हैं। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है सबको पता है। महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। इम्तियाज जलील ने आगे कहा कि मंच से मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, क्या ये आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? इन सब पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने रामगिरी महाराज का समर्थन किया था, हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि यह देश संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम करेगा। इस तरह की एक जात किसी एक धर्म के हिसाब से काम नहीं करेगा। सीएम का निर्देश है कि कोई कार्यवाही नहीं करनी। AIMIM नेता ने आरोप लगाया कि हम पुलिस के अधिकारियों से ये पूछने जा रहे हैं कि 60 FIR होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि सीएम का निर्देश है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इसके इशारे पर ही उनके प्यारे रोज स्टेज पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। हमारे एक हिंदू समाज के भाई बहन ने 100 गाड़ियाँ इस काफिले में शामिल करवाई हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसमें शामिल की हैं। इम्तियाज जलील ने कहा, उनकी तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कायदे कानून और संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो हमारी पहल के साथ है। उन्होंने कहा, हम देश में ऐसा कानून चाहते कि जिसमें किसी जात किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।